वहीं गाजियाबाद में लुटेरी दुल्हन की करतूत सामने आई है। पति को नशीला पदार्थ खिलाकर दुल्हन फरार हो गई और 1 लाख नकदी और 3 लाख के गहने लेकर फरार हो गई। गाजियाबाद के मोदी नगर के संजयपुरी कॉलोनी की घटना है, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन अपने पति को नशीला पदार्थ देकर 1 लाख नकदी और 3 लाख की जूरी लेकर फरार हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की, गाजियाबाद के मोदी नगर के संजयपुरी कॉलोनी की घटना, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन की करतूत सामने आ रही है। पति को पहले तो नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद 1 लाख नकदी और 3 लाख की जूरी लेकर फरार हो गई। गाजियाबाद के मोदी नगर के संजयपुरी कॉलोनी की घटना है, जहां पर अपने पति को नशीला पदार्थ देकर 1 लाख की नकदी और 3 लाख की जूरी लेकर फरार हो गई ये लुटेरी दुल्हन। कर्णवीर कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कर्णवीर, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? घर में आई और मौका पाकर दुल्हन ने रात के और बाकी लोग सब सोए हुए थे, उसी दौरान जो दुल्हन थी उस पर ये आरोप है पर ससुराल वालों का कि वो लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर के फरार हो गई है। फिलहाल पुलिस से शिकायत की गई है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब शादी होती है तो तमाम तरह से परिवार और रिश्तेदारी के माध्यम से उस परिवार के बारे में बातचीत की जाती है और जाकर के वहाँ शादी के संबंध जैसा मैं संबंध जोड़ा जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे मामले में अखबार में आए विज्ञापन के पर ही जो परिवार के लोगों ने फोन पर बात की और शादी पक्की कर दी। इससे जो लड़का था, दूल्हा था, उसकी रजामंदी ज्यादा थी और यही एक चिटिंग का वजह माना जा रहा है कि हो सकता है जो महिला है जिसकी शादी होकर के दुल्हन है वो फ्रॉड हो, उनका यही काम हो कि शादी करने के बाद घर को लूट करके ले जाए। ऐसे पहले भी गाजियाबाद में दर्जनों मामले पिछले 2 साल में दर्ज हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गणवीर तमाम जानकारी के लिए।